हे गाइस, आज 11 अगस्त, आज एमएसटी सीटी का लास्ट शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो एज पर द स्टूडेंट्स रिव्यू, आज का पेपर टफ साइड में आया था और आज के पेपर में 90 प्लस परसेंटाइल बनाने के लिए कितने मार्क्स लगेंगे। सो 90 प्लस परसेंटाइल बनाने के लिए आपको कम से कम 92 से लेकर 96 मार्क्स के बीच में आ रहे हो, आपके 90 प्लस परसेंटाइल एकदम आराम से बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो प्लीज़ जरूर चेकआउट करना, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, उस पर ध्यान दो क्योंकि आगे आपकी लाइफ में ये काम आने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएस। और आज है एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप का लास्ट डे। सो लास्ट डे खत्म हो चुका है, शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों कंक्लूड हो चुकी है। शिफ्ट की रिव्यू की बात की जाए तो मैंने जितने भी स्टूडेंट से पूछा, सब वही बोल रहे कि भैया पेपर बहुत टफ था, पूरे फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन पूछे गए थे जेई लेवल के। सो एमएसटी सीईटी का अगर लास्ट पेपर देखा जाए तो शिफ्ट टू जो आया था आज का, वो मैं उसको टफ कैटेगरी में रखूंगा, हार्ड पेपर पूछा गया था। और रिव्यू की बात की जाए तो सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट, फिजिक्स वॉज ऑल्सो मॉडरेट और मैथ वॉज टफ एंड जेई लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत लेंदी था मैथ्स। और बाकी इस बार केमिस्ट्री मॉडरेट आया था। और एमएसटी सीईटी ने इस बार थोड़ा सा ट्रेंड में चेंजेस लाए हैं। केमिस्ट्री सीईटी ने इस बार लास्ट के जो पेपर्स हैं उनको टफ सेट करना शुरू कर दिया है, और टफ और लेंदी सेट करना शुरू कर दिया है। सो आप अगर आपके जूनियर्स हो तो आप उनके जूनियर्स को बोल सकते हो कि इस बार के पेपर्स अभी टफ आने लग गए, सो बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट ईयर भी आपको मैथ्स उसी लेवल का, इस लेवल का ही दिख सकता है। और बात की जाए तो अभी आपके आंसर के आने को 15 से 20 दिन है, रिजल्ट आने को 25 दिन है। सो इन टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अभी एक से दो दिन आप चिल कर सकते हो, मस्त नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देखो, शॉर्ट्स देखो, सीरीज़ देखो, एकदम अच्छे से चिल करो, जो मनपसंद आए वो करो। बट उसके बाद थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दो। अभी जैसे अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप यूट्यूब पर जाके कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग स्किल हो, फोटो एडिटिंग स्किल हो, कोडिंग स्किल हो, तो जाओ थोड़ा सीखो, कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख लो आप, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, 25 दिन का समय है। आप मतलब इनिशियली आप स्टार्ट तक कर सकते हो ना। और एक है कि इन दिनों में आपको चूज़ भी करना है कि अपने डिजायर्ड ब्रांच कौन सी चूज़ करनी है, आपका अपना फ्यूचर कौन सी ब्रांच में बनाना है, कौन से फील्ड में बनाना है और आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सो अपने मार्क्स के अनुसार आपकी परसेंटाइल भी निकल जाएगी। सो परसेंटाइल के हिसाब से अपने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके रखो कि आपको इन सब कॉलेजेस में जाना है, ये मेरे डिजायर्ड कॉलेजेस हैं, इनमें से कोई कॉलेज मुझे लगेगा और मैं जाके इस फील्ड में जाके अपना करियर बनाऊंगा। और अपना फील्ड भी, अपना करियर भी अच्छे से चूज़ करना, कोई रॉन्ग ब्रांच चूज़ मत कर देना, क्योंकि आगे आपका पूरा करियर उसी पे बेस्ड रहेगा। अगर आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट ही नहीं रहा तो आप फिर क्या आगे काम करोगे। सो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर चूज़ करना और अपनी इंटरेस्ट भी जानो। अभी आपके पास 25 दिन हैं, 25 दिन में आप अपना इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हो किसी फील्ड के। जैसे आपको अगर सीएस में जाना है, आईटी में जाना है, तो अपना कोडिंग स्किल डेवलप करो, कोडिंग में देखो आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, इनिशियल स्टार्ट तो करके देखो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जा सकते हो कोडिंग में। और ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, बाकी करने को तो बहुत कुछ है, बुक रीड कर सकते हो, रात को दो घंटे आप दे सकते हो अपना पर्सनल डेवलप करने को, बुक रीड करो, एक अच्छी सी मोटिवेशनल बुक रीड करना शुरू कर दो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकदम अच्छे से। बस रात को एक वीडियो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखना। ये वीडियो होगा आपको इन 15 से 20 दिनों में किस चीज़ पर ध्यान देना है, इन टाइम को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, इन सब के ऊपर मैं बताऊंगा। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, और चैनल पे आए हो तो प्लीज़ वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे कैंपस रिव्यू की सीरीज़ आने वाली है, फिर ब्रांचेस के ऊपर सीरीज़ आने वाली है। सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।